नमस्कार, ये आपका भारत लाइव है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में राजनीतिक रूप से उथल पुथल जो मची हुई है, उसमें अब आग में घी जैसा काम करना शुरू कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी। आपको पता है कि बिहार में 2 सीटों पे उपचुनाव होने हैं। इन उपचुनावों को लेकर के बिहार में सरगर्मी बढ़ गई है। वहीं राजनीतिक दलों के भीतर भी कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। आपको बता दें, जहां एक तरफ महागठबंधन सीटों को लेकर के और उम्मीदवारी को लेकर के एक दूसरे के आमने सामने खड़ा था, वहीं एनडीए में सब कुछ ठीक नज़र आ रहा था, जैसा कि हमने आपको दिखाया भी था और खबरें भी पहले से आ रही थी कि खास करके एनडीए में इन सीटों को लेकर के किसी तरह का कोई झमेला नहीं होने जा रहा है, क्योंकि इस पूरी जो एनडीए की रचना है उसमें नीतीश कुमार के 2 सीट थे और नीतीश कुमार के ही 2 विधायक थे जो कि जिनका कि इंतकाल हो गया था। तारापुर और कुशेश्वर स्थान में जो चुनाव होने हैं, उन चुनावों को लेकर के जैसे ही चुनाव आयोग ने तिथियों की घोषणा की, उसके बाद से सारी चीज़ें सामने खुल करके आ गई। एनडीए ने एक साथ बैठ करके उम्मीदवारों की घोषणा की। वहीं आपको बता दें कि महागठबंधन में 2020 के चुनाव में इन 2 सीटों पर, एक सीट कुशेश्वर स्थान पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे थे और दूसरा तारापुर में आपको पता ही है कि आरजेडी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। कुशेश्वर स्थान की बात करें तो ये रिजर्व सीट है और यहाँ बहुत बढ़िया टक्कर दिया था कांग्रेस ने। कांग्रेस मात्र 7,000 के आसपास सीटों से हारी थी। इसको लेकर के कांग्रेस पूरी तरह से ये कह रही थी कि इस सीट पर उसका कब्जा है, इसलिए उसको छोड़ने नहीं जा रही है। इन सारी बातों को लेकर के इस बीच एक घटना घटी कि आपको पता है कि CPI से कन्हैया कुमार कांग्रेस की तरफ शिफ्ट किए और कांग्रेस की तरफ आने के बाद कांग्रेस में बहुत सारी ताकतें आ गईं और कांग्रेस ने ये स्पष्ट कर दिया था कि वो इस सीट पर चुनाव लड़ेगी ही लड़ेगी। लेकिन अचानक से राष्ट्रीय जनता दल ने 2 ही सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी और उसके बाद से बिहार की राजनीति में सरगर्मी बढ़ गई। अब इन सब बातों को लेकर के हालाँकि अभी तक कांग्रेस ने विद्रोह नहीं किया है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के इस व्यवहार से वो नाराज जरूर हैं। आपको पता है कि ये सब बातें तो कहीं ना कहीं एनडीए में भी हो रही हैं, लेकिन एनडीए के सबसे बड़े घटक दल जो हैं भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता निखिल आनंद ने पूरी तरह से इसे राष्ट्रीय जनता दल का डोमिनेट करना ही बताया है। उनका कहना है कि अब औकात बताई है कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल ने कांग्रेस को जो लगभग समाप्त होती जा रही है, कन्हैया कुमार के आने के बाद से सोच रही थी कि उसे बहुत ताकत मिल गई है, लेकिन अचानक से जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल ने उसे एक्सपोज कर दिया है और फिर बैकफुट पे लाके खड़ा कर दिया है, उससे साफ लग रहा है कि कांग्रेस की स्थिति में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। कांग्रेस बीते दिनों की बात हो गई है और वर्तमान परिस्थिति में जिस तरह की बिहार में राजनीति हो रही है, उसे देख करके साफ लगता है कि कांग्रेस के लिए उभरना और निकलना बड़ा ही मुश्किल है। कन्हैया कुमार के आने के बाद से कहा यह जा रहा था कि बहुत परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल ने कांग्रेस को चित कर दिया है और उसकी एक नहीं सुनी है, इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस के लिए कोई भी रास्ते नज़र नहीं आ रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस क्या राष्ट्रीय जनता दल के इस व्यवहार के बाद और इन सारी चीज़ों के बाद चुप रहता है या फिर आगे किसी तरह का कोई बखेड़ा खड़ा होता है। लेकिन एक बात तो तय है कि निखिल आनंद के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति ने एक बार फिर से करवट ले लिया है और इसके बाद देखने वाली बात ये होगी कि जनता दल यूनाइटेड की तरफ से इस पर क्या बयान आते हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।